एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ अपना संडे। पिछले व्लॉग्स में जो मेरे डेली रूटीन वाले व्लॉग्स थे, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि आप अपने ऑफ डे पे क्या करते हो। मुझे लगता है ये कमेंट्स इसलिए आए हुए थे क्योंकि आप लोगों को लगता था कि आधे दिन तो ये क्लासेज चली जाती हैं, तो बाकी के टाइम ये मतलब अपने फन के लिए करती गए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक संडे का व्लॉग बना लूं, जिससे कि आप लोगों को मैं बता पाऊं कि संडे के लिए भी कितना कुछ होता है, ऑफ डे पे भी कितना काम करने के लिए होता है। तो सबसे पहले तो मुझे संडे इसलिए पसंद है क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं लेट उठ नहीं पाती क्योंकि मम्मी ने कभी ऐसी आदत नहीं डाली है कि मैं 11 बजे और 12 बजे तक सो रही हूँ, तो मेरी नींद इवेंचुअली खुल ही जाती है। लेकिन आज मैं अलार्म लगाए बिना सोई थी और मैं 1.5 घंटा लेट उठी हूँ, मतलब 9:30 उठी हूँ, और बहुत मेरे को मज़ा आ रहा था सोने में क्योंकि अलार्म से नहीं उठना पड़ा। संडे के लिए मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं क्योंकि पूरे वीक में जो भी मुझसे काम नहीं हो पा रहा होता है, रूम साफ करना, अलमारी साफ करना, सामान लेके आना और अपनी थोड़ी केयर करना, सारी चीज़ें मैं संडे के लिए छोड़ देती हूँ कि यार कोई नहीं, संडे को कर लूँगी, संडे को कर लूँगी। तो बेसिकली मेरा संडे मेरे वीकडेज से भी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि हर चीज़ इतनी प्रिपेयर्ड रहती है कि इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। तो आज मेरे साथ मेरा संडे जियो। अब फालतू की बात करे बिना हम डे स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज संडे को मेस में भी बहुत टेस्टी कुछ ब्रेकफास्ट बनता है, मतलब वो हमारे लिए सरप्राइज ब्रेकफास्ट होता है, तो हमें नहीं पता होता क्या बनेगा लेकिन टेस्टी होता है, कुछ ना कुछ अलग सा होता है। तो देखते हैं आज मेस में क्या ब्रेकफास्ट बना है। आज तो मज़े आ गए, बाहर बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था और कुछ ऐसा ही मन कर रहा था कि कुछ चाय पकौड़े टाइप का मिल जाए, और मैं इसमें बाद समोसे बने थे। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करके आ गई, अब कुछ घर गृहस्थी के काम कर लेते हैं। मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ, पूरा इतना फैला हुआ है क्योंकि मैं पूरे हफ्ते सिर्फ उसको गंदा करती हूँ और सिर्फ एक दिन उसको साफ करती हूँ। तो सच बताऊँ तो मोस्टली ऑन माय ऑफ डेज मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, आई जस्ट फील लाइक रिलैक्सिंग फॉर अ बिट। और अभी रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ वेरी अमेजिंग ऐप जो मेरे उस टाइम को भी बहुत यूजफुल बनाती है, एंड इट इज़ कुकू FM। ऑडियो बुक्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इस पर आपको बहुत सारी ऑडियो बुक्स मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, और मेरा जैसा भी मूड होता है मैं वैसे ही ऑडियो बुक सुन लेती हूँ। लाइक इफ़ आई फील समटाइम्स डीमोटिवेटेड अबाउट समथिंग, तो मैं कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुन लेती हूँ। कभी मुझे कोई ऐसी रिलैक्स करने का मन होता है तो मैं नॉन फिक्शन स्टोरी सुन लेती हूँ। एंड इनफैक्ट इस पर बहुत सारी नॉलेजेबल ऑडियोज़ भी हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में नॉलेज गेन करने में भी हेल्प करती है। करंटली एज द सीजन इज चेंजिंग, मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो मैं आजकल हेयर केयर रेमेडीज और स्किन केयर बाइबल सुन रही हूँ कुकू FM पे, एंड आई रियली फाउंड इट वेरी यूजफुल। कुकू FM ऑडियो बुक्स का एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है विद ओवर 4.5 प्लस रेटिंग्स एंड 4000 प्लस ऑडियो शो लाइब्रेरीज ऑफ नॉन फिक्शन कॉन्टेंट। इट जस्ट वॉन्ट्स टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स विद इट्स ईजी मीडियम ऑफ ऑडियो लर्निंग। इस पर आप कोई भी ऑडियो बुक अपनी रीजनल लैंग्वेज में कभी भी कहीं भी सुन सकते हो, एंड इट इज़ अ टोटली मेड इन इंडिया ऐप। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि पहले जो नॉलेज आपको 399 में मिल रही थी, वही नॉलेज अब आपको 199 में मिलेगी। सो यूज़ माई कूपन कोड Rajshree50 एंड द फर्स्ट 250 यूजर्स विल गेट एन एडिशनल 50% डिस्काउंट ऑल्सो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड द ऐप नाउ। तो लंच का टाइम हो चुका है, अभी मैं लंच करने जा रही हूँ। संडे को हमें ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है, लेकिन डिनर का ऑफ रहता है, शाम में मैस ऑफ रहेगी, तो आज भी हम बाहर खाने जाएंगे। तो मेरा ये वाला ब्लॉग भी प्रॉबेबली बाहर खाने के साथ ही एंड होने वाला है, तो मैंने सोचा मैं पहले ही बता देती हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी लंच करने। जैसे सुबह थोड़ा स्पेशल ब्रेकफास्ट था, तो लंच में आज हमें स्वीट डिश मिलती है, वो थोड़ा स्पेशल होता है, बाकी दिनों में स्वीट डिश नहीं मिलती, तो वो भी मैं दिखाऊँगी आज, देखते हैं क्या स्वीट डिश बनी है। तो चलते हैं और खाना खाते हैं। गाइज, अब मैं आपको एक अपने नए फ्रेंड से मिलवाती हूँ। ये है मेरा नया यूकेलेली, खोल के देखो। ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे लास्ट ईयर बर्थडे पे दिया था,
और मैंने तब सोचा था कि मैं इसको बजाया करूँगी, सीखूंगी, पर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैंने सुना है कि जिनको गिटार बजाना आता होता है उनको यूकेलेली बहुत आसान पड़ता है, क्योंकि मतलब बेसिकली गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं और इसमें सिर्फ 4 होती हैं और फ्रेट्स भी कम हैं और मतलब कंपैरेटिवली इजी रहता है। तो मैंने अभी रिसेंटली सीखना शुरू किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर गाना रिकॉर्ड करूँ। और अभी रिसेंटली मतलब संडेज़ को इतना टाइम मिल पाता है तो मैं संडेज़ को से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेती हूँ दोपहर में। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर और जल्दी आपको इस पर एक नया गाना मिलेगा। तो हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं क्योंकि रूम में बिल्कुल भी कुछ खाने पीने का सामान नहीं है, तो हमने सोचा कि पहले हम चल लेते हैं और थोड़ा खाने पीने का सामान और जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं मतलब टूथपेस्ट वगैरह और चीज़ें जो ख़त्म हो रही है वो ले लेंगे और फिर वापस आते हुए अपना डिनर करते आएंगे। तो देखते हैं सब रेडी हो गए या नहीं। सो गाइज, दिस वॉज माई नॉट सो फ्री वेरी प्रोडक्टिव संडे और अभी रात हो चुकी है। अभी बस मैं सोच रही हूँ कि अपना नेक्स्ट वीक का शेड्यूल बना लूँ कि इस वीक में मुझे आने वाले वीक में और क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या निपटाना है इस वीक में। तो मैं अपना वीकली ऐसे मेरे को प्लानिंग करने की और शेड्यूल बनाने की बहुत आदत है, तो मैं डे वाइज अपना शेड्यूल बनाती हूँ और फिर उसको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। और अभी मैं वो करूँगी फिर सो जाऊंगी। तो ये था मेरा आज का दिन। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि आप इतनी एंड तक आए हो तो पसंद ही आया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकन।